तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से अच्छे होगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले बता देता हूँ, मैं ये वीडियो जो है एसएससी सीपीओ एस्पिरेंट से रिलेटेड है। क्या आपको बताया कि सीपीओ के फिजिकल स्टार्ट हो गए हैं और आपको फिजिकल में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो कई लोगों को लाइसेंस से रिलेटेड डाउट आने चालू हो गए हैं। लाइसेंस है उसमें क्या लिखा होना चाहिए और क्या लिखा नहीं होना चाहिए जिससे हम दिल्ली पुलिस एसआई के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है? ये बहुत लोगों का, बहुत सारे एस्पायरेंट्स का बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो लाइसेंस होते हैं अपने, वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के मेजरली मान के चलो, बाकी उस पर ऐड होता चलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस है अपना, उसके स्टार्टिंग जो फ्रंट पेज है, फोटो आपको डाल दूंगा, इसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले इसमें जो होता है, इश्यू करने की डेट होती है। तो इश्यू करने की डेट, कई लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास फिजिकल नहीं है लाइसेंस, तो हम क्या करें, लेकिन हमारा इश्यू हो गया है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्रिंट ले जाना, बढ़िया ले जाना, और उनको डेट ऑफ इश्यू से मतलब है, वो इस टाइम फोटो कॉपी ही देखते हैं फिजिकल की टाइम, और कुछ नहीं देखते, ठीक है? बाकी जो आपका फ्रंट साइड है उस पर लिखा होगा डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ वैलिडिटी, जन्मतिथि, पिताजी का नाम और आपका नाम, ये चीजें होती हैं। अगर डेट ऑफ इश्यू आपकी फिजिकल की डेट से पहले की डेट आ जाती है, तो आप फोटो कॉपी ले जाना उसकी, डीवी में जब चेक होगा तब ओरिजिनल चाहिएगा, तब तक आप अरेंज कर लेना, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन होगा एक लाइसेंस का, कि सर हमारा लाइसेंस बन गया है लेकिन हम हार्ड कॉपी नहीं है, ठीक है? खत्म हो गया ये क्वेश्चन। जिनके पास हार्ड कॉपी है वो उसकी फोटो कॉपी करा के हार्ड कॉपी साथ में ले जाए, ठीक है? इसके बाद जो लाइसेंस है, कई लोगों ने लाइसेंस बनवा लिया है, कईयों के पास ऑलरेडी है, तो उसमें क्या चीज होनी चाहिए दिल्ली पुलिस एसआई मेल कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले उसमें आपको जो सीपीओ ने मांगा है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा क्या मांगा है। सीपीओ ने मांगा है आपका LMV फॉर मोटर कार, मोटर साइकिल एंड कार, दोनों के लिए मांगा है, ठीक है? तो आपके में क्या क्या हो सकता है, आपके लाइसेंस में तीन कैटेगरी हो सकती है। सबसे पहले आपके लाइसेंस में सिर्फ कार ही मेंशन हो, तो कार ही मेंशन होगी तो उसमें लिखा हुआ LMV और कार का एक सिंबल होगा, ठीक है? कार का सिंबल होगा, चार पहिया वाहन का कार उसमें दिखी रहेगी, ऐसे ये फोटो में डाल दूंगा आपको। ये वाला जो कैटेगरी है, ये वाला कैटेगरी सीपीओ में इनवैलिड माना जाता है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में लिखा गया है मोटरसाइकिल प्लस कार, तो दोनों का होना चाहिए सिंबल। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें आपके पास मोटरसाइकिल और कार दोनों ही होंगी, एक में लिखा हुआ LMV और दूसरे में लिखा हुआ MCWOG, ठीक है? WOG दोपहिया वाहन, यानी कि बाइक में दो कैटेगरी है, MCWG, MCWOG, ठीक है? इसका मतलब क्या क्या है, LMV आपके साथ में है तो LMV अगर आपके साथ है, और चार पहिया जो आपकी कार है वो मेंशन है तो ठीक है, उसके साथ अगर बाइक भी है तो भी प्रॉब्लम है। अगर बाइक में MCGOW है तो भी आपका लाइसेंस है और दिल्ली पुलिस के लिए काउंट नहीं होगा, और आपका इनवैलिड हो जाएगा और आप दिल्ली पुलिस SI से वंचित रह जाओगे, ठीक है? तो MCGOW यानी मोटरसाइकिल विदाउट गियर नॉट एलिजिबल फॉर दिल्ली पुलिस SI, एंड ओनली LMV इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिल्ली पुलिस SI, ठीक है? अब जो होना चाहिए उसमें क्या है, तो LMV भी होना चाहिए कार का साथ लिखा हुआ, उसमें कार का चिन्ह होगा LMV के सामने या नीचे होगा, उसके अलावा MCGW मोटरसाइकिल विदाउट गियर दोनों होंगी, और दोनों पे डेट ऑफ आपका इश्यू लिखा होगा, ठीक है? जैसे मेरे पे लिखा हुआ है 27 अप्रैल 2017, ठीक है? अब बाकी और कुछ काम नहीं है, डेट ऑफ इश्यू की अथॉरिटी होगी। जो आपका जो लाइसेंस होगा, यही बताना था मुझे इस वीडियो में, कि आपका जो लाइसेंस है उसमें आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप उस चीज पे ऐसा ना रहे कि आपका एकदम से आपको शौक लग जाए कि यार मेरा तो लाइसेंस ये होना चाहिए था, ये नहीं है, तो और आपका दिल्ली पुलिस एम हो और आपको मिले ना, बाकी आप कोई और जॉब की तैयारी ना करो, तो मैंने एक आपको ऑथेंटिसिटी दे दी है लाइसेंस में, कि लाइसेंस आपका किस प्रकार का होना चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस SI को टारगेट कर रहे हो। बाकी आपको कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।